झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिव्यांगों की जांच कर उनके प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर कैंप लगा, जिसमें लोक सेवा मंदिर ज्ञान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। कैंप में मौके पर ही 14 दिव्यांगों की जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं 2 दर्जन से अधिक को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र तेतरवाल ने बताया कि कैंप में कुल 80 जनों ने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें से डॉक्टर तेतरवाल ने 12 दिव्यांगों की जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया। वहीं इसके अलावा 7 दिव्यांगों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। डॉक्टर तेतरवाल ने बताया कि मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन ने 2 जनों का प्रमाण पत्र बनाया, वहीं 7 को रेफर किया। इसके अलावा ENT की डॉक्टर रुचिका तथा आँखों के चिकित्सक डॉक्टर ML रावत ने 9 लोगों को हायर सेंटर के लिए भेजा। कैंप में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के जिला प्रभारी राधेश्याम सुखाड़िया और तहसील प्रभारी रजनीकांत मिश्रा ने टीम के साथ अपना सक्रिय सहयोग दिया। मिश्रा ने बताया कि पहले ये कैंप जिला मुख्यालय पर ही लगते थे, लेकिन ट्रस्ट ने बार बार कलेक्टर और CMHO से मांग की कि इनका आयोजन तहसील स्तर पर भी होना चाहिए, जिसके बाद ये कैंप अब तहसील मुख्यालय पर हो रहा है, जिसका फायदा भी दिव्यांगों को मिल रहा है। आज गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज दिव्यांग शिविर लगा, जिसमें 80 रजिस्ट्रेशन हुए थे और ऑर्थो के 11 सर्टिफिकेट बने और 7 झुंझुनू के लिए रेफर किए गए और मनोरोग के 2 सर्टिफिकेट बने हैं और 7 जयपुर के लिए रेफर किए गए। मैं लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट तहसील प्रभारी चिड़ावा रजनीकांत मिश्रा, जो कि हम लोग लोक सेवा ज्ञान मंदिर से यही सरकारी योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं पूरे शेखावाटी क्षेत्र में, जिससे सभी गरीबों को जो ज़रूरतमंद ऐसा लोग हैं उनको जितनी हेल्प हो सके ट्रस्ट की तरफ से की जाती है, जो कि आज उसी क्रम में हम लोगों ने बहुत से दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनवाने में हेल्प की है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनको यहाँ तक लाने में उनके ऊपर जो यहाँ पे ऊपर आने में दिक्कत थी उनको ऊपर लाने में हमारे कार्यकर्ता पूरी सेवा कर रहे हैं, पूरी हेल्प कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है। जो कि हमने पहले हमें झुंझुनू लेके जाना पड़ता था लोक सेवा ज्ञान मंदिर की तरफ से दिव्यांगों को, जो कि हमने कलेक्टर महोदय से और CMHO साहब से हमने ज्ञापन देकर और ये रिक्वेस्ट की, जिससे वो हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और तहसील स्तर पे उन्होंने कैंप लगाना शुरू किया, जो कि उसी क्रम में आज 4th-5th कैंप है और इससे हम धन्यवाद देते हैं कलेक्टर साहब और CMHO साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। CHC चिड़ावा के अंदर दिव्यांगों के लिए फिजिकल हैंडीकेप के सर्टिफिकेट बनाने का कैंप आयोजित किया गया, जिसके अंदर लगभग 80 के लगभग रजिस्ट्रेशन हुए कुल मिलाकर के, जिसमें अस्थि रोग विशेषज्ञ के अंदर मैं डॉक्टर नरेंद्र तेतरवाल CHC चिड़ावा से, और इसमें हमने 11 सर्टिफिकेट बनाए हैं और 7 लोगों को झुंझुनू केतान अस्पताल के लिए रेफर किया है, एवं साइकेट्री के अंदर डॉक्टर नवीन जी हैं, उन्होंने 2 सर्टिफिकेट बनाए हैं और 5 लोगों को रेफर किया है। इसके अलावा नाक कान गला विभाग से डॉक्टर रुचिका जी ने एवं ऑप्थेलमोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर ML रावत जी हैं, उन्होंने भी 7 या 8 लोगों को रेफर किया है और इस प्रकार से एक सफल आयोजन किया गया दिव्यांगों के लिए एवं सभी को भरपूर सेवाएं दी गई। थैंक यू।